दिस इज थ्री बेडरूम, सॉरी थ्री रूम हाउस प्लान डिज़ाइन। थ्री रूम का मतलब दो बेडरूम एक ड्राइंग रूम, ड्राइंग और डाइनिंग रूम भी है इसके अंदर, किचन टॉयलेट सब कुछ है। तो देखिए स्टार्टिंग में पहले हम यहाँ पर एक स्टेयर ऐड किया है जिसका ड्राइंग यहाँ पर डिज़ाइन 3D हमने यहाँ पर करके रखा है। ठीक है, इधर से हम ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर तक आएंगे। ठीक है, इसके नीचे हमें कार पार्किंग मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइड में हम पहले देखिए 4 यहाँ पर कॉलम हाइट पे रखा है, उसके बाद बाकी कॉलम जो है यहाँ पर हम हाइट पर रखेंगे। तो 4 और यहाँ पर और भी 4, टोटल 8 नंबर्स कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद और भी 4, तो टोटल 12 नंबर्स कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, टोटल 12 नंबर्स कॉलम। तो 12 नंबर्स कॉलम कितना स्क्वायर फीट में हम बाद में दिखाते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर हमें देखिए इधर एक एक रूम का 4 साइड वॉल हम ड्रॉ करेंगे। इसका एक लेवल हाइट पर हम इसको रख के 3D ड्राइंग रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें ऐसे यहाँ पर रेडी करना है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद इसका जो विंडो यहाँ पर हम कुछ ही जगह पर दिखाएंगे, बाकी जगह हम विंडो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको विंडो ज़रूरत पड़ेगा तो आप विंडो ऐड कर सकते हैं। हम जस्ट एक ऑप्शन यहाँ पर करके रखा है, आपको जिस ऑप्शन को चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है कि क्योंकि आपका ज़मीन एक टाइप का नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने ऐसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, चलिए हम इस ड्राइंग के अंदर देखिए बाकी जो पार्ट है इसके अंदर कुछ फर्नीचर ऐड करना है, और इसके बाद इसको कुछ विंडो भी इसके अंदर ऐड करना है। तो हम यहाँ पर विंडो हम ऐड कर सकते हैं जस्ट फ्रंट साइड में यहाँ पर। तो फ्रंट साइड में हमें विंडो के लिए 2 फीट 6 इंच हमें यहाँ पर नीचे से इसको ऐड करना है। तो हम यहाँ पर नीचे से ऐसे रखेंगे, क्योंकि 2 फीट 6 इंच यहाँ पर 0.75 मिलीमीटर जो है एरिया हाइट में हम यहाँ पर विंडो का बॉटम लेवल रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे रहेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ फर्नीचर ऐड करना है। फाइनल फर्नीचर लेआउट प्लान के अंदर क्या क्या है, यहाँ पर एक बेडरूम, सेकंड बेडरूम, एक ड्राइंग रूम। देखिए तो यहाँ पर जो कार है, आपको कार के लिए कितना जगह मिल रहा है, चलिए उसका ही मेज़रमेंट पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा हमने कितना जगह आपके लिए कार के लिए यहाँ पर रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो जगह है 10 फीट, और इससे इधर तक कितना जगह है, तो देखिए हम इधर तक लेंगे 13 फीट 5 इंच, 10 बाई 13 फीट 5 इंच का हम यहाँ पर एक गैप यहाँ पर रखा है। ओके, तो इसमें आपको एक कार यहाँ पर आपको रखने का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा हमने बाहर लेकर आया है इसको। ठीक है, तो कार पार्किंग स्टेयर के नीचे इधर जो वॉल है इसको थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ ले सकते हैं, थोड़ा सा और भी। ठीक है, तो पहले घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एक मॉडर्न टाइप का सोफ़ा सेट। ओके, देखिए ऐसे, तो सोफ़ा सेट जो है ऐसे मॉडर्न टाइप का है। ओके, नेक्स्ट सोफ़ा सेट के बाद हम आएंगे इसी जगह से, यहाँ पर आप आर्च यूज़ कीजिए, आर्च ऐसे, यहाँ पर आएगा एक डाइनिंग टेबल। ओके, ऐसे मॉडर्न टाइप का इसके यहाँ पर हम कारपेट यूज़ किया है राउंड शेप का। तो आपको राइट साइड में मिल रहा है एक टॉयलेट एंड बाथ, यहाँ पर मिल रहा है किचन, यहाँ पर बेड और इधर बेड। ओके, तो टोटल आपका जो प्लानिंग है ऐसे दिखाई देगा अरेंजमेंट। तो डिटेल्स तो आपको हम दिखाएंगे अभी, तो चलिए हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो डिटेल्स का मतलब है लेंथ इनटू ब्रेथ, 23 और 36 लेंथ
और ब्रेथ का यही डिफरेंस है, बेडरूम 12 एंड 11 फीट 1 फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड बेडरूम 10 फीट 8 और 12 फीट, दो बेडरूम है इधर। ड्राइंग यहाँ पर ड्राइंग कम डाइनिंग, या डाइनिंग भी आप रखिए सिर्फ। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है देखिए 14 फीट 6, 12 फीट 4, बहुत ही ज़्यादा है। सेंटर में एक ओपन स्पेस है। यहाँ पर किचन 7 फीट 3 और 7 फीट 5, टॉयलेट एंड बाथ 4 फीट 6 और 7 फीट 3। यहाँ पर ड्राइंग रूम या सीट आउट एरिया 10 फीट वाई 11 फीट 4। इधर भी एक रूम हमने इसलिए किया है जो है थर्ड रूम, तो बाहर से जो आपका गेस्ट आएगा इसी रूम के अंदर वो वेट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर सोफ़ा सेट हमने इसलिए इधर ऐड किया है, ठीक है इधर। उसके बाद यहाँ पर जो स्टेयर है, इसका जो मेज़रमेंट है स्टेयर के लिए हमें मिला है इधर देखिए 10 फीट 6 और यहाँ पर 10 फीट। तो यहाँ इधर जो 10 फीट, तो हमें थोड़ा इधर से इधर तक हमने 12 फीट तक हमने यहाँ पर जगह लिया है जो आपका यहाँ पर कार पार्किंग के लिए। तो स्टेयर के नीचे कार पार्किंग, आप यहाँ पर बाइक, आपका साइकिल, सब कुछ इसके अंदर रह सकते हो। तो यही था प्लान और डिज़ाइन। और इसका जो आउटसाइड इनसाइड वॉल है 5 इंच का वॉल, कॉलम 10x10 इंच का है। टोटल कितना स्क्वायर फीट है 23x36, 23x36 828 स्क्वायर फीट हाउस डिज़ाइन है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग प्लान को बनाने के बाद और इस प्लान बनाने इस घर बनाने के बाद कितना खर्च आएगा, हम इसके साथ 1500 रुपीज़, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी को 80-100, तो कितना 8 × 8 × 8 इतना भी लग सकते हैं, तो 14-15 लाख तक खर्चा हो सकता है, ठीक है, आप अच्छे से घर बनाएंगे तो। तो इसमें हमारा जो टेक्निकल पार्ट है, इसमें देखिए जो डोर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है 3 फीट का डोर है, इधर 3 फीट का डोर है। तो डोर उसके साथ आपको देखिए यहाँ पर 2 फीट 7 इंच का डोर है। यहाँ पर जो है आर्च रहेगा, आर्च अब 5 फीट का ऐसे आर्च दिखाई देगा, इधर एक आर्च इधर आना चाहिए। तो इधर जो मेन गेट है इधर देखिए 4 फीट का यहाँ पर मेन गेट, ओके, मेन एंट्री आपको इधर से ही मिलेगा, मेन एंट्री इधर से। तो यहाँ पर जो स्टेयर है, इसका स्टेप का जो मेज़रमेंट है कितना है, मेज़रमेंट देखिए इसका एक एक 3 फीट है, यहाँ पर 3 फीट है। तो यहाँ पर ट्रेड जो विड है यहाँ पर 10 इंच का है, राइजर 5 इंच का है। यहाँ पर आपको देखिए इधर से मिल जाएगा, देखिए सॉरी 6 इंच और यहाँ पर 3 फीट, ओके, और यहाँ पर देखिए 10 इंच, ऐसे करके ट्रेड राइजर हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो टेक्निकल पार्ट यहाँ पर हमने दिखाया है। आपको प्लान डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।